बालोदा बाजार जिले के पलारी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भवानीपुर तिलासी एवं रुद्रपुरी के स्कूलों का कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर में व्याप्त अव्यवस्था पर प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने, पुस्तकालय में पुस्तकों के संधारण में अव्यवस्था होने पर पुस्तकालय प्रभारी के एक दिवस का वेतन काटने, प्रयोगशाला में अनियमितता पाए जाने पर प्रयोगशाला प्रभारी का वेतन रोकने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने ग्राम भवानीपुर की शाला में मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण, ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए तत्काल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवानीपुर में कलेक्टर द्वारा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों से विषय संबंधी प्रश्न पूछकर शिक्षा की गुणवत्ता को परखा। प्राथमिक शाला व हाई स्कूल तिलासी में प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के रखरखाव में गैर जिम्मेदारी कार्य करने के कारण एक दिवस का वेतन काटने एवं प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पलारी विकासखंड के अंतर्गत विद्यार्थियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं 7 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। ग्राम तिलासी में ग्रामीणों द्वारा पौधारोपण और रोजगार मूलक कार्यों की मांग किए जाने पर मनरेगा के तहत जनपद पंचायत पलारी को कार्य योजना तैयार कर शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। तिलासी में महिला एवं पुरुषों के लिए 2-2 शौचालय का निर्माण तथा सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। तिलासी में विद्यार्थियों को स्वच्छता ही सेवा है अभियान के बारे में बताया गया। कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुरी में ओपीडी व अन्य वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। दवाई कक्ष के निरीक्षण के दौरान दवाई संधारण अभिलेखों का अवलोकन करते हुए दवाइयों को नियमित अपडेट करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर में संचालित पुरुष एवं महिला वार्डों के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा नियमों के तहत वार्डों को अपडेट करने के लिए निर्देशित किया।